नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स को लेकर देश का एक तबका इस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहा है, क्योंकि ये वो फिल्म है जिसमें 30 साल पुरानी सच्चाई दिखाई गई है। और ये वो सच्चाई है जो हम में से और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सच्चाई नहीं पता होगी कि किस तरीके से 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ और अपने ही देश में बहुसंख्यक होने के बावजूद कश्मीरी पंडितों को अल्पसंख्यक वाली जिंदगी जीनी पड़ी और कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को ही बाहर निकाल दिया गया। ये सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई है। तो एक तबका तो वो है जो जमकर तारीफ कर रहा है, लेकिन एक वामपंथी गैंग भी हमारे देश में मौजूद है जो कि इस फिल्म की जमकर आलोचना कर रहा है। इस वामपंथी गैंग में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं, कुछ बड़े बड़े नेता शामिल हैं और एक विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि इस फिल्म का जमकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि कश्मीर की सच्चाई को हमेशा छुपा कर रखना चाहते हैं। इस सच्चाई को कभी भी ये उजागर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि एक विशेष समुदाय के लोगों से इन्हें बहुत ज़्यादा गहरा प्रेम है, बहुत ज़्यादा गहरा स्नेह है। ये एक ऐसा मुद्दा था, इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी से लेकर किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म के द्वारा एक तस्वीर दिखाई गई है कि किस तरीके से जितने भी हमारे देश के नेता हैं, चाहे उस दौरान जो प्रधानमंत्री रहे, उस दौरान जो गृह मंत्री रहे और उस दौरान जो चीफ मिनिस्टर रहे, वो किस तरीके से चुप्पी साध कर बैठे रहे और खुलेआम कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार होता रहा। ये सच्चाई इस फिल्म के द्वारा दिखाई गई है। वहीं इस फिल्म को लेकर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और बॉलीवुड गैंग जो है, बॉलीवुड गैंग इस वक्त हमारे देश में बहुत ज़्यादा मायने रखने लगा है, तो बॉलीवुड गैंग ने भी इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और इस बॉलीवुड गैंग में खान शामिल हैं। और खान का नाम सुनते ही आप यकीनन चौंक जाते होंगे, क्योंकि जितने भी खान एक्टर हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो या सलमान खान हो, इन एक्टर का विवादों से काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है और इन एक्टर ने भी द कश्मीरी फाइल्स को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है या नहीं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फिल्म देखी है। इसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। सलमान खान ने पहली बार द कश्मीर फाइल्स को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सबसे पहले आपको बता दें कि सलमान खान वो एक्टर हैं जिनका विवादों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। हिट एंड रन केस सलमान खान के ऊपर चल रहा है। इसके साथ ही काला हिरन मारने का जो केस है वो भी सलमान खान के ऊपर चल रहा है और कई बार सलमान खान जेल जा चुके हैं और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सलमान खान अपनी छवि को सुधारने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। अब इस फिल्म को लेकर सलमान खान ने क्या कहा है, अब हम आपको वो बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, द कश्मीर फाइल्स को आम लोगों के साथ ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी देख रहे हैं। अब तक कई सेलिब्रिटीज़ इस मूवी की तारीफ कर चुके हैं। अब खुद सलमान खान ने ये फिल्म देखी है, जिसके बाद उनका क्या रिएक्शन था, इसके बारे में खुद अनुपम खेर ने एक इंटरव्यू में बताया। द कश्मीर फाइल को रिलीज हुए 16 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिल्म का बेहतरीन प्रदर्शन अभी भी जारी है। फिल्म ने महज घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ही 220 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस फिल्म को आम लोगों के साथ ही कई बॉलीवुड सेलेब्स भी देख रहे हैं। फिल्म अभिनेताओं की बात करें तो रितेश देशमुख, आमिर खान, सुनील शेट्टी और कई दूसरे सेलेब्स भी इस फिल्म की जमकर तारीफ कर चुके हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अनुपम खेर ने बताया कि फिल्म को देखने के बाद खुद सलमान खान ने उन्हें पर्सनल फोन किया और बधाई दी। बता दें कि सलमान खान और अनुपम खेर काफ़ी पुराने दोस्त हैं, दोनों ने साथ में ही बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। कि सलमान खान ने बकायदा अनुपम खेर को जो है वो फ़ोन किया और फ़ोन करके इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। कहीं ना कहीं सलमान खान को भी ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है।
यानी कि हमारे देश के जितने भी वामपंथी गैंग हैं, उन वामपंथी गैंग के ऊपर सलमान खान ने करारा तमाचा जड़ा है। वहीं इसके अलावा ना सिर्फ सलमान खान बल्कि अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की है, और अक्षय कुमार ने भी बाकायदा अनुपम खेर से इस फिल्म को लेकर बात की और खूब तारीफ अक्षय कुमार इस फिल्म को लेकर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म में ऐसा क्या था जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ना सिर्फ फिल्म बल्कि कश्मीर की वो सच्चाई आप सभी को पता होनी चाहिए कि 1990 के दौरान आखिर हुआ क्या था। आपको बता दें कि 1990 में हथियार बंद आंदोलन चला था, और उस वक्त पर जे जितने भी अलगाववादी नेता हैं, जे के एल एफ के आतंकवादी हैं, इन सभी ने मिलकर एक साजिश रची, और साजिश के तहत कश्मीरी पंडितों के सामने तीन शर्तें रखी थी, और वो तीन शर्तें थी कि या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर भाग जाओ, नहीं तो कत्लेआम। ये तीन शर्तें कश्मीरी पंडितों के सामने व उस वक्त के जितने भी आस्तीन के सांप हैं और जो आतंकवादी हैं, उन सभी ने मिलकर एक साजिश के तहत ये शर्तें रखी थी, और खुलेआम कश्मीर घाटी को लहूलुहान कर दिया गया। ये नज़ारा आप इस फिल्म के द्वारा अवश्य देख पाएंगे कि किस तरीके से लहूलुहान वाला आलम पूरे कश्मीर में छाया हुआ था। जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ करता था 1990 के दशक में, तो अगर हम अपनी बात करें तो जब भी भारत जीते तो हमेशा जश्न का माहौल भारत में मनाया जाता था, लेकिन कश्मीर में ऐसा आलम नहीं था। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान की टीम जीत गई तो उस वक्त पर कश्मीर में कत्लेआम होता था, वो भी किसी और का नहीं, सिर्फ कश्मीरी पंडितों का। एक विशेष समुदाय के लोगों को छोड़ दिया जाता था, कत्लेआम अगर किसी का होता था तो वो थे कश्मीरी पंडित। वहीं आपको बता दें कि आपने एक नारा अक्सर सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो वो जो नारा हुआ करता था हिंदू मुस्लिम भाई भाई का, वो कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि एक विशेष समुदाय के लोग ही अपने खास दोस्त को खुलेआम मरवा दिया करते थे। ये आप देख सकते हैं कि एक फिल्म के स्टार्टिंग में ही एक सीन है, वो सीन वो पूरी दास्तान बयां कर देगा कि किस तरीके से अपने ही अपनों को कटवा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि तमाम ऐसे देश के राजनेता रहे, तमाम ऐसे मुख्य जो मुख्यमंत्री रहे, अलगाववादी नेता रहे, इन सब ने साजिश के तहत ये सारा तमाशा अपनी आंखें खोल कर देखा, बंद करके नहीं बल्कि आंखें खोल कर देखा। सब ने दो दिन के लिए अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए, कोई जानकारी कश्मीर की किसी को नहीं दी, और ये कत्लेआम खुलेआम चलता रहा। तो इतनी बड़ी दास्तान जो है वो कश्मीर में हुई थी। अब आपको बता दें कि लगभग इस फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है, 300 करोड़ की कमाई ये फिल्म जो है वो कर चुकी है। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।